बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो अहादीस की ट्रांसलेशन के उनवान से है कि ये सात अहादीसें मुबारका हैं, इन्हीं में से वो एक हदीस देंगे आपको, जस्ट आपने ट्रांसलेशन करनी है, ठीक है। उसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं आपने देनी, उसमें कोई वजाहत नहीं देनी, उसमें कोई अल्फाज के मानी नहीं बताने, कोई मतलब है ग्रामर के रिलेटेड अहादीस से क्वेश्चन नहीं आएगा। महज अहादीस में से कोई एक हदीस देंगे और लिखा जाएगा, और साथ लिखा होगा कि आप इसका तर्जमा करें और आपने उसका तर्जमा करना। ये जो सात अहादीस मुबारक हैं, इन्हीं सात अहादीस मुबारक में से एक हदीस आएगी, ठीक है। इसके अलावा कहीं से कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक बात बड़ी अहम, जो चूँकि ये BZU के रिलेटेड है हमारा जो एग्ज़ाम, जो PU वाले हैं वो तो हदीस की ट्रांसलेशन देते हैं। ये बसा औकात ये करते हैं, ये कहते हैं जी अहदीस मतन के साथ आप लिखें और उसका तर्जमा करें। उसमें ये होता है कि एक दो हदीस मुबारक आपको याद करना पड़ती है। ये सात अहदीस मुबारक में से आपने मुख्तसर जो हदीस मुबारक हैं, जो छोटी हैं सबसे, वो दो अहदीस आपने याद कर ले। ये ऐसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। बसावकात दे देते हैं अहदीस तर्जमा करें, और बसावकात ये लिख कहते हैं कि भाई जो है वो अहदीस भी लिखें और प्लस इसका ट्रांसलेशन भी खुद से करें। वो जस्ट आपने दो अहदीस मुबारक, इससे ज़्यादा नहीं, वो आपने छोटी जो सबसे छोटी वो आपने याद कर लें। पहली हदीस मुबारक, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, आकर सलाम ने फरमाया, कौला, कौला का मतलब होता है फरमाना, कहना। अजबन, अजीब है, अमरल मोमिने, मोमिन का मामला अजीब है। अमर कहते हैं मामला, अल मोमिन मोमिन का। अजीब है मोमिन का मामला कि इन्ना बेशक अमरहू उसका मामला, कुल्लहु सारे का सारा, लहू खैर उसके लिए बेहतर है। यानी उसका मामला सारे का सारा मोमिन के हक में बेहतर है। कैसे? वलैसा ज़ालिका लिअहदिन इल्ला लिल्मोमिन। और कहते ये जो बात है ना कि हर मामला ही बेहतर है, ठीक है, ये सिर्फ मोमिन के किसी और के लिए नहीं है, काफिर के लिए नहीं है, बद मजहब के लिए नहीं है, गैर मजहब के लिए नहीं है। जो मोमिन है, मुसलमान है, ये उसी को ही एजाज़ हासिल है कि उसका हर मामला दुरुस्त है। इन असाबत हो सर्रा, अगर उसे खुशी मिले, कोई उसे नेमत मिल गई, कोई चीज़ मिल गई, वो खुश हो गया। जब वो खुश होता है तो शाकरा, वो शुक्र करता है। फकाना लहू, फकाना खैरन लहू, और ये शुक्र करना उसके हक में बेहतर है। अब दूसरी तरफ आ जाएगा, वही असाबत हो दर्रा, और अगर उसे कोई तकलीफ पहुंचे, ठीक है, तो साबरा, वो सब्र करता है। फकाना खैरन लहू, ये भी उसके हक में बेहतर है। खुशी मिले, नेमत मिले तो शुक्र करता है, या उसके हक में बेहतर है। नेमत छिन जाए या उसको कोई मतलब बीमारी की सूरत में उस पर जो है वो मुसीबत आ जाए, आजमाइश आ जाए, वो सब्र करता है, तो जब वो सब्र करेगा ये भी उसके हक में बेहतर है। तो ये मामला हदीस मुबारका में है कि मोमिन के लिए मामला बड़ा अजीब है कि उसके हक में क्या है, बेहतर है। हदीस से नंबर दो, قال رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم, आदर इस्लाम सलाम का ये फरमान है, मन जो कोई कान यूमिनु बिल्लाह वल यौमिल आखिर, जो अल्लाह पे ईमान रखता है और क़यामत पे ईमान रखता है, फला युज़ी जारहु, वो अपने पड़ोस को अजियत नहीं देता, वो अपने पड़ोसी को अजियत नहीं देता। वमन का ना यूमिनु बिल्लाह वल यौमिल आखिर, और जो अल्लाह पे ईमान रखता है और आखिरत पे ईमान रखता है, फल युकरिम दैफहु, वो अपने मेहमान की इज्जत करता है। मेहमान की रिस्पेक्ट करना, इज्जत करना, उसे वेलकम करना, ये जो बंदा अल्लाह और आखिरत पे ईमान रखता है, ये उसका वतीरा है। वमन का ना यूमिनु बिल्लाह वल यौमिल आखिर, जो अल्लाह पे ईमान रखता है और यौम आखिरत पे ईमान रखता है, फल यकुल खैरा, या तो वो बेहतर जो बोलता है तो बेहतर बोलता है, अवल यस्मुत, या वो क्या करता है, खामोश रहता है। तो ये नहीं कि मतलब हमारी तरह बेजा, बेमकसद, बगैर किसी वजह के,
बोली जाना, बोले जाना, ठीक है। मकसद हो तो बात की जाए, मकसद ना हो तो हम, और जो बात की जाए वो बात खैर की हो, उससे किसी को अजियत और तकलीफ ना पहुंचे। हदीस नंबर 3, قال رسول الله आकल सलातो والسلام ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलासुन मन कुन फी, तीन चीजें जिस बंदे में मौजूद है ना, वाजद हलावत अल ईमान, वो ईमान की हलावत पा लेता है। अयकुन अल्लाह व रसूल, अल्लाह और उसका रसूल, अहब इलैहि मिम्मा सिवा हुमा, अल्लाह उसके रसूल के साथ उसकी जो मोहब्बत है ना, ये कायनात की बाकी हर शय से बढ़ के, यानी अल्लाह और अल्लाह के रसूल के सिवा वो किसी से मोहब्बत ना करे। उसके बाद वह युहिब्बुल मरअ ला युहिब्बु इल्ला लिल्लाह, और किसी से अगर वो प्यार करे तो अल्लाह की रजा के लिए करे। वाई यकरहा अन यऊदा फिल कुफ्र, और उसका इतना नापसंद हो कुफर में वापस जाना, काफिर होना उसे इतना नापसंद हो कि जैसे कि कमा यकरहु अन यज़िफा फिल नार, औ अन, हाँ, जैसा कि जो है वो जहन्नुम में जाना इंसान बुरा समझता है, इस तरह उसे कुफर में दोबारा जाना जो है वो क्या बुरा समझता। तो ये तीन चीज़ें जिस बंदे में हैं वो ईमान की मिठास और भी हलावत को पा लेता है। सर चलो आज जी सारी की सारी जी, या कि हम पढ़ चुके हैं जी। हदीस नंबर 4, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, आकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सरहु, जिसको ये बात खुश करे कि अन यमुद लहु फी उमरिही, कि उसकी उम्र में बढ़ जाए, वही वसा लहू फी रिज़्क़, उसका रिज़्क बढ़ जाए, वह तसू, उससे बुरी मौत दूर कर दी जाए। फल तकिल्ला, वो एक पहला काम ये करे कि अल्लाह से डरे, वली असिल रहम और सिला रहम करे। قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الصلاه فما لا يدخل الجنه, वो बंदा जन्नत में कहना फी قلبه مثقال ذره من كبر, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकबर हुआ वो जन्नत में नहीं जाएगा। قال رجل, एक आदमी ने अर्ज की, इन الرجل, बेशक आदमी, يحب, पसंद करता है, ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا, कि उसके, ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا, कि उसके कपड़े अच्छे हों, उसका जूता अच्छा हो। तो काला, आपने फरमाया कि इन्नल्लाह जमील व युहिब्बुल जमाल, अल्लाह खुद खूबसूरत है, खूबसूरती को पसंद करता है। तकब्बुर क्या है? कहते हैं कि बत्रुल हक व गमतुन नास है, लोगों को हकीर समझना, ठीक है, और हक को रद्द कर देना, हक बात तस्लीम ना करना और लोगों को हकीर जानना, असल तकब्बुर ये है। अच्छे कपड़े या जूता पहन लेना ये तकब्बुर नहीं है। हदीस नंबर 6, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, आकल इस्लाम सलाम ने फरमाया, اللهم اصلح لي ديني, ए अल्लाह मेरे दीन दुरुस्त फरमा दे, الذي هو اسمۃ امری, जो मेरे दीन, जो मेरा बचाव है, ठीक है। और उसके बाद फरमाया, वह اصلح لي دنياي, और मेरी दुनिया बेहतर कर दे, التي فيها معاشي, के जिसमें मेरा मुआश है, और उस व असलखड़ी आखिरती अल्लतीफ़ी हा मादी, और मेरी आखिरत को दुस्त फरमा दी जिसमें मैंने लौट कर जाना है। वजाली हयात ज़ियारत लीफ़ी कुल खैर, और ज़िंदगी को मेरे लिए हर खैर में इजाफे का ज़रिया बना दे, ठीक है। वजाली मौत राहत ली मिन कुल शर, और मौत को मेरे लिए हर शर से राहत बना दे, ठीक है। हदीस नंबर 7, قال رسول الله सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इत्तकिल महारिम, हराम चीज़ों से बचो, तकुन आबुदन नास, लोगों में इबादत गुजार बन जाएगा। वर्द बिमा कसम अल्लाह लका, और जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है ना उस पर राज़ी हो जाए, तकुन अगनन नास, लोगों में सबसे बड़ा गनी हो जाएगा। और व अहसन इला जारिक तकुन मोमिन, पड़ोसी के साथ अच्छा मामला कर तो मोमिन हो जाएगा। और अब लोगों के लिए वही पसंद का मा तुहिब बोले नफसिक, जो अपने लिए पसंद करता है, तकुन मुस्लिम, मुसलमान हो जाएगा। और वहाँ कसरत से ना हंसा करो, फ़इन्ना कसरत दिह की तमीतुल कल्ब, क्योंकि कसरत से हंसना ये इंसान का दिल मुर्दा करता है। यह 7 हदीस मुबारक है, ये जो है हमने अल्लाह के तौफीक से मुकम्मल की।